की इस वीडियो में मैं मनाली के टॉप प्लेसेस के बारे में आपको बताऊंगा। तो वैसे मैं जिस गलियों से गुजर रहा हूँ ये बस मनाली की ही गलियाँ हैं। सबसे पहले चलते हैं यहाँ से हडिम्बा देवी टेम्पल, ये वन विहार पड़ता है, तो लाइन में लग के मंदिर के अंदर दर्शन करना होगा। तो भाई यही रहा हडिम्बा देवी टेम्पल। अब इस जगह से चलते हैं मनु टेम्पल की तरफ। हर हर महादेव। मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है, ये पहाड़ों पे भी बर्फ नहीं दिख रहा है, थोड़ा वो दिख रहा है। मैं जब पिछली बार आया था तो मॉनेस्ट्री का फोटो खींचने के लिए भी 20 रुपये का चार्जेस था, पता नहीं अभी है कि नहीं, वो अंदर जाके पता चलेगा। आपको मॉल रोड का जो है नज़ारा दिखाने वाले हैं। खूबसूरत जगह है भैया, लड़कियों का ग्रुप जो है कहीं ना कहीं से आया हुआ है, तो ये लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ तस्वीर ले रहे हैं, है ना। तो इस जगह से शेयरिंग आपको टैक्सी अगर चाहिए अटल टनल जाने के लिए, सोलंग वैली जाने के लिए, तो आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे अगर अकेले आते हैं तो अकेले आपको मटराना पड़ेगा, अकेले टहलना पड़ेगा, अगर साथ में कोई अगर आपकी महबूबा हो तो कुछ ज्यादा ही आनंद आता है। एक बलून घूमने आना तो एक से बलून ले लेना। एक बलून 5 रुपये का बेचता है। ओ भाई 20 का। 20 का? अच्छा 20 का। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं हूँ मनाली में और ये पीछे आपको दिख रहा होगा मनाली स्वीट्स। तो सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं, अगर मनाली आ रहे हो खाना पीना खाना है, वेज थाली हो गया, तो इस जगह पे आके खा सकते हो, बहुत बढ़िया यहाँ पे खाना मिलता है। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं मनाली के टॉप प्लेसेस के बारे में आपको बताऊँगा, जिस जगह पर आके आप इस जगह पर घूम सकते हो। जैसे स्टार्टिंग जैसे मॉल रोड हो गया, बुद्धिस्ट टेम्पल हो गया, मनु टेम्पल हो गया, ओल्ड मनाली हो गया, तो ये सारी जगह मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे मैं जिस गलियों से गुजर रहा हूँ ये बस मनाली की ही गलियाँ हैं, और बस सामने आपको बस स्टैंड दिख जाएगा इसी गली के सामने। अभी जो है दोपहर के 1 बजे हैं और चहल पहल देख लो अभी भी है, धूप निकली हुई है और टेम्परेचर अभी 6 डिग्री है, लेकिन फिर भी उमस वाली गर्मी है इस जगह पे। इस जगह पे एक सामने दुर्गा मंदिर भी है, सामने बगल में बस स्टैंड भी है। अगर प्राइवेट बस स्टैंड जाना चाहते हो तो इस रास्ते के थ्रू आप 2 किलोमीटर आगे जाओगे तो प्राइवेट बस स्टैंड भी पहुंच जाओगे, जहाँ पे वॉल्वो वगैरह लगती है। और ये जो आपको ढाबा दिख रहा है, इस जगह पे भी बहुत बढ़िया खाना मिलता है, पराठा स्पेशली इस जगह पे आके आप खा सकते हो, चाय वगैरह पीना हुआ तो इस गली में आप जा सकते हो। मॉल रोड, तो भाई मॉल रोड को आपको बाद में एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, सबसे पहले चलते हैं यहाँ से हडिम्बा देवी टेम्पल। वहाँ का क्या नज़ारा है, वहाँ का क्या अपडेट है, वो सारा कुछ आपको दिखाते हैं, क्या कहानियाँ हैं उस जगह की। चलो सीधा चलते हैं हडिम्बा मंदिर। पहले मैं बताता हूँ हडिम्बा देवी टेम्पल आपको पहुँचना कैसे है। ये आपको सामने स्ट्रीट दिख रहा है, इस जगह से आपको ओल्ड मनाली मनु टेम्पल और हडिम्बा देवी टेम्पल इसी रास्ते के थ्रू जा सकते हो। ऑटो वगैरह आपको इसी जगह पर मिल जाएगा, ऑटो वाला आपसे 150 रुपये चार्ज कर सकता है। हडिम्बा देवी टेम्पल वाले रास्ते में आओगे या ओल्ड मनाली जाने वाले रास्ते में आओगे तो ये जो जगह है ये वन विहार पड़ता है, सामने आपको दिख रहा होगा। इस रास्ते के थ्रू आप ओल्ड मनाली भी जा सकते हो, मनु टेम्पल भी जा सकते हो, बट हडिम्बा देवी टेम्पल जाने के लिए आपको यही रास्ता लेना पड़ेगा, ये जो मेन रोड वाला रास्ता है यही रास्ता लेना पड़ेगा। और खूबसूरत है, अंदर अगर जाओगे ना तो जंगल जंगल होते हुए क्या ही खूबसूरत, जो है 2-3 किलोमीटर का ये डिस्टेंस ये ट्रैक रहता है और काफ़ी खूबसूरत आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि कहीं और दुनिया में, किसी और दुनिया में आ गए हों। तो एक बार ये वन विहार होते हुए आप ओल्ड मनाली ज़रूर जाना। टिकट कॉस्टिंग भी पड़ता है थोड़ा बहुत, 20 रुपये चार्ज पड़ता है शायद, तो आप जा सकते हो। वैसे अगर टिकट वगैरह आपको नहीं लेना है तो आप इनको ये बोल सकते हो कि अंदर मेरा होटल है उस साइड पर, आपको ऐसे ही जाने देंगे कोई चीज़। तो अगर टिकट नहीं लेना चाहते हो तो चलो अब सीधा निकलते हैं यहाँ से हडिम्बा देवी टेम्पल। वैसे बाइक मैंने ले लिया है, सीधा आपसे हडिम्बा देवी टेम्पल मिलते हैं। तो हडिम्बा मंदिर पहुँच गए हैं, पार्किंग वगैरह नहीं है, आप बाइक वगैरह इसी जगह पे कहीं भी पार्क कर सकते हो और बहुत सारा आपको दुकान सामने दिख जाएगा चाय कॉफ़ी पीने के लिए। तो चलो अंदर ले जाके आपको दिखाते हैं क्या कुछ माहौल दिखने वाला है। वैसे अभी बर्फ़बारी तो नहीं हुई है, जिस कारण अभी इस जगह पर कोई बर्फ़बारी नहीं है, और बर्फ़बारी के टाइम में आप अगर आओगे तो चारों तरफ जो है ना बर्फ़ बिखरी हुई रहती है। इस तरह का मार्केट जो है थोड़ा आगे तक आपको मिल जाएगा, प्रसाद वगैरह आप ले सकते हो इस जगह से। और ठीक सामने आपको हडिम्बा मंदिर के सामने आपको दिख रहा होगा। ज़्यादातर मैं देखता हूँ जब यहाँ पे बर्फ़बारी होती है ना तो ये ज़्यादातर आता है, और बहुत सारे लोग इस जगह पे बैठ के इस पर तस्वीरें भी लेते हैं। तो भाई फाइनली जो है मंदिर पहुँच गए हम लोग। वाह भाई भाई मैं बताता हूँ इस मंदिर का कहानी क्या है। 5 पांडवों में से एक पांडव भीम की पत्नी हडिम्बा को ये मंदिर समर्पित है। हडिम्बा जो है अपने भाई के साथ हिडिम्ब के साथ इस जगह पर रहती थी, और पुराणों में कहा जाता है कि हिडिम्ब जो था थोड़ा क्रूर टाइप का इंसान था, वो इस जगह पे जितने सारे ग्रामीण रहते थे उन सबको परेशान करना, उन सबको मारना पीटना यही उसका काम था, और हडिम्बा भी राक्षसी थी,
उसने कसम खाई थी कि जो मेरे भाई को मार देगा उससे वो विवाह कर लेगी। तो हिडिंब की क्रूरता को देखकर भीम ने उसको मार डाला, जिस कारण हिडिंबा की शादी जो है भीम से हो गई। और यही है इस मंदिर का छोटा सा इतिहास। और मंदिर क्या खूबसूरत लगता है इस गर्मियों के टाइम में, विंटर के टाइम में तो और भी खूबसूरत लगता है यार। तो आ सकते हो भाई इस मंदिर पे। तो भाई मंदिर का स्टार्टिंग भाई आपको बहुत सारा यहाँ पे छोटा छोटा दुकान दिख जाएगा। और यहाँ पे रैबिट देख लो, ये आंटी जो है रैबिट के साथ फ़ोटो खींचने का पैसा लेती है 50 रुपये। हिमाचली टोपी के अलावा बहुत सारी स्वेटर और बहुत सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हो इस जगह पे आके। ये रहा सीढ़ी ऊपर हिडिंबा मंदिर ही, उसके ऊपर भी लेके चलेंगे। वैसे मंदिर का इतिहास आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ये भी है इसकी वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो। तो यही रास्ता है, इसी रास्ते के थ्रू आप लोग ये रास्ता सीढ़ी पकड़ के और ठीक सामने आपको लाइन में लग के मंदिर के अंदर दर्शन करना होगा। ठीक यहाँ से एग्जिट हो जाओगे। अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, तो कृपया करके भाई फोटोग्राफी वगैरह ना लें। ये रहा मंदिर का खूबसूरत सा नज़ारा, लोग यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत तस्वीर ले रहे हैं। यहाँ पे पीछे आप जाके बैठ सकते हो, पीछे भी थोड़ा बहुत कपड़े का मार्केट रहता है और इस जगह पे बैठने की व्यवस्था रहती है। धूप इस जगह पे हमेशा रहता है, आप इस जगह पे आके बैठ सकते हो। तो भाई यही रहा हिडिंबा देवी टेम्पल। अब इस जगह से चलते हैं मनु टेम्पल की तरफ और मनु टेम्पल एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं। वैसे फाइनली देख रहे हो आप मेरे पीछे, यही है मनु टेम्पल। तो अगर आप मनाली आते हो तो ये भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है इस जगह पे घूमने के लिए। और इस जगह पे आते ही मुझे मिल गए हैं अजय भाई, जो पिछले साल भी मुझे मिले थे जब मैं इस जगह पे ड्रोन फ्लाई कर रहा था। तो अजय भाई आ गए थे अचानक से कि भाई कैसे उड़ता है ये ड्रोन। तो वही सारा कुछ मैंने इनको प्रोसेस बताया था, बट पिछले साल ना मेरा फोन का ये सॉरी ड्रोन का बैटरी वगैरह थोड़ा डाउन हो गया था, जिस कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो चलो थोड़ा मनु टेम्पल आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। चलो तो भाई देख लो, ये मनु टेम्पल का गेट है। घंटी बजा दे। हर हर महादेव। ये रहा टेम्पल, यहाँ का भी एक हिस्ट्री है भाई, यहाँ का भी हिस्ट्री मैं आपको बताऊँगा। ये मंदिर जो है महर्षि मनु को समर्पित है और महर्षि मनु यहाँ विश्व के सबसे पहले मनुष्य माने जाते हैं पुराणों के अनुसार। तो यही एक छोटा सा स्टोरी है इस मंदिर का और खूबसूरत मंदिर है इस जगह पे। अगर आप आते हो ओल्ड मनाली में ये पड़ता है मंदिर और काफ़ी खूबसूरत है। अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, आप जूता चप्पल खोल के अंदर मंदिर के अंदर जा सकते हो। तो मनाली अगर घूमने आ रहे हो तो ये भी एक स्पॉट है आपके लिए, इस जगह पे भी आप आ सकते हो। और बर्फबारी के टाइम में तो ये काफ़ी खूबसूरत रहता है पूरा, ये सब के ऊपर ना बर्फ़ का ये कम से कम 1.5 फीट 2 फीट का ना ये बर्फ़ ऊपर जम जाता है। और ये मंदिर जैसे अभी ब्राउन दिख रहा है ना, उस टाइम वाइट दिखता है पूरा, ये सब में बर्फ़ जमा रहता है भाई। ये देख लो मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पहाड़ों पर अभी बर्फ़ नहीं दिख रहा है, थोड़ा वो दिख रहा है, बट ये सारे पहाड़ों और पेड़ों पर ना वाइट चादर ही रहती है। चलो इस जगह का अब ड्रोन शॉट देते हैं, तब तक आप ड्रोन शॉट देखो, आपसे मिलता हूँ बौद्धिस्ट मंदिर के पास। पहुंच गए हैं बौद्ध मंदिर, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के पास। और मैं आपको बता दूं, इस जगह पर आप अगर आते हो तो इस रूट में ना आपको बहुत सारा कपड़ा का आपको दुकान दिख जाएगा, जैसे आपको दिख रहा होगा सामने मेरे। स्टार्टिंग पे भी बहुत सारा दुकान है और ये ठीक मॉल रोड से जस्ट 200 मीटर के आसपास में है। आप मॉल रोड के गली से भी आप इस जगह तक आ सकते हो। वैसे ये रहा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। ये गेट नहीं है, इसका मेन गेट ऐसे घूम के जो है आगे जाना पड़ता है। और गेट के सामने जो है बहुत सारा कपड़ा का आपको दुकान दिख जाएगा, खूबसूरत खूबसूरत कपड़ा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कार वगैरह बाइक वगैरह से आ रहे हो तो ये मेन पार्किंग है, इस जगह पे आके आप अपनी व्हीकल पार्क कर सकते हो। बाहर में भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे पेड पार्किंग यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्क कर देते हैं गाड़ी। इरा मोनेस्ट्री का मेन गेट और अंदर चलते हैं। कोई एंट्री चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ ऐसा दिखता है। बहुत सारा होटल आपको बाहर मिल जाएगा, ये देखो कितना प्यारा सा ये बड़ा सा होटल है, खूबसूरत सा। और ये पानी पूरी वाले भाई साहब जो है इस जगह पे लगा के रखे हैं। चलो मॉनेस्ट्री में घुसते ही मुझे सबसे पहले दिखा है टॉयलेट। टॉयलेट अगर जाना हो तो आप राइट साइड चले जाओ, टॉयलेट चले जाओगे, मॉनेस्ट्री कैफ़े भी अंदर में है। और ठीक ये सामने रहा मॉनेस्ट्री और यहाँ पे बैठने की व्यवस्थाएँ हैं। ये मॉनेस्ट्री के लोगों की यहाँ पे व्हीकल पार्क है, यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स वगैरह लगाई गई है, वहाँ पे भी सामने बैठ सकते हो। और कितना खूबसूरत जो है ये जगह लग रहा है, वाह यार, बहुत सारे लोग इस जगह पे घूमने आए हैं।
तो मैं जब पिछली बार आया था तो मॉनेस्ट्री का फोटो खींचने के लिए भी 20 रुपए का चार्जेस था, पता नहीं अभी है कि नहीं, वो अंदर जाके पता चलेगा। मॉनेस्ट्री पहुँचते हैं, यहाँ पर देख लो शूज रैक है, यहाँ पर अपना जूता खोल के इस जगह पर रख सकते हो, तो बस अपना भी जूता खोलते हैं इस जगह पर और अंदर चलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ टेक ऑफ योर शूज, और मॉनेस्ट्री का ये होली व्हील इसको बोलते हैं, ये पूरा जो है लास्ट तक होगा उधर साइड में। मंदिर के अंदर आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं, देख लो यहाँ फोटोग्राफी फी 20 रुपये। ये ठीक मेरे पीछे रहा मॉनेस्ट्री, और मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा सा होली व्हील इसके अंदर है, इसको भी आप रोटेट कर सकते हो अंदर जाके। तो भाई यही सब कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन रहा अगर मनाली मॉल रोड आते हो घूमने के लिए, तो ये मॉनेस्ट्री जो है एकदम आसपास में ही पड़ता है, टहल के भी आ सकते हो, 2 मिनट लगेगा आपको मॉल रोड से। तो चलो इस जगह से अब सीधा चलते हैं मॉल रोड, मॉल रोड में क्या शाम का क्या माहौल रहता है वो सारा कुछ दिखाएंगे। वैसे क्या टाइम हो चुका है 6:30 और आपको मॉल रोड का जो है नज़ारा दिखाने वाले हैं। नज़ारे तो भाई काफ़ी जो है शानदार दिख रहे हैं मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारे दोस्तों। मतलब आप आओगे ना इस जगह पे तो आपका दिल जो है और धड़कन काम करना बंद कर देगा, है ना। वैसे जो नज़ारा मुझे दिखा है वो नज़ारा तो निकल गया दोस्तों, लेकिन अब आगे देखते हैं, आगे कुछ बढ़िया कुछ नज़ारा कुछ दिखेगा तो मैं आपको बताऊँगा। खूबसूरत जगह है भैया, मतलब जगह इतना खूबसूरत है कि आप इस जगह में जो है ना लीन हो जाओगे, है ना। तो मैं ना क्या रही थी रात को, दिन में तो काफी सुंदर लगता है, ये जवाहरलाल नेहरू जी का प्रतिमा है और इधर झंडा लगा हुआ है जो थोड़ा सा अंदर है, तो वो काफी खूबसूरत लगता है जब झंडा लहराता है, जब हवा तेज रहती है तो काफी खूबसूरत लगता है। वैसे दुकान वगैरह इस जगह पे बहुत सारी है, इस जगह पे आके लोग तस्वीर ज़्यादातर लेते हैं इस जगह पे, है ना, तो स्पेशली इस जगह पे लोग आते हैं सुंदर सुंदर जो है तस्वीर लेने के लिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लड़कियों का ग्रुप जो है कहीं ना कहीं से आया हुआ है, तो ये लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ तस्वीर ले रहे हैं, है ना। तो आप भी अगर आते हैं तो इसी सब जगह पर जो है बैठ के लोग जो है तस्वीर ले कर और फेसबुक इंस्टा पर डालते हैं, यही वो जगह है दोस्तों। ये जो जगह दिख रहा है यही वो जगह है जहाँ पे लोग तस्वीर लेके और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, जो कि बढ़िया चीज़ है ना। और देख लीजिए यहाँ पे कपड़े वगैरह का शॉपिंग करने के लिए आपको बढ़िया जगह है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी का जो प्रतिमा है इस जगह के पास में, ये जो है आपको दिख रहा है, ये दुकान जो है जो आपको दिख रहा है टूर एंड ट्रेवलर्स का जो भी है, तो इस जगह से शेयरिंग आपको टैक्सी अगर चाहिए अटल टनल जाने के लिए, सोलंग वैली जाने के लिए, तो आपको मिल जाएगा। ये नंबर पे आप कॉल करके आप पता भी कर सकते हैं कि अभी क्या रेट चल रहा है। जैसे अभी के टाइम में सोलंग वैली अटल टनल के लिए देख लीजिए 1500 रुपया, हमटा पास के लिए 1300 रुपया। नज़ारे भाई देखिए, यहाँ पे अगर अकेले आते हैं तो अकेले आपको मटराना पड़ेगा, अकेले टहलना पड़ेगा, अगर साथ में कोई अगर आपकी महबूबा हो तो कुछ ज़्यादा ही आनंद आता है दोस्तों। ये ठीक मेरे पीछे जो दुर्गा मंदिर आप देख रहे हो, तो ये मॉल रोड में ही पड़ता है, और अभी तो माहौल थोड़ा एकदम इतना गर्दी है, आज संडे का दिन है तो कुछ ज़्यादा ही गर्दी है ना। तो अगर आप मॉल रोड दिन में आते हो, दोपहर में आते हो, उसका भी एक अलग ही आनंद है। अगर आप अभी रात में आते हो तो काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है इन गलियों में, देख लो पीछे कुछ ज़्यादा ही रश रहता है। आना है क्या इधर, ये बैलून बेचता है, ठीक है, एक बैलून घूमने आना तो एक से बैलून ले लेना, एक बैलून 5 रुपए का बेचता है, ओ भाई 20 का, 20 का है, अच्छा 20 का, ठीक है चलो हम तुमको बताते हैं। तो सबका एक दोस्तों अलग अलग ही मजा है, तो आप आ सकते हो इस जगह पे। चलिए दोस्तों अब यही रहा मॉल रोड का वीडियो, ये सब 3-4 जगह आपको दिखाएं, अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक वगैरह करके जाइए। इसके अलावा आपको कुछ पूछताछ करना हो
तो कमेंट बॉक्स खाली रहता है, उसमें आप जो है टाइपिंग करके जो है आप पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जो है निश्चिंत होकर दे दूंगा, फ्री हो जब रहूंगा तो उसका जो है खोल खोल के आपका सबका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए यही सब रहा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्या, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।